तो आप लोगों को फिर से स्वागत है कि ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। पर देखो हम लोग डेली दाल चावल तो खा नहीं सकते, कभी कभी बिरयानी भी चलता है, फ्राइड राइस और चिली चिकन चलता है भाई, और चिली पनीर चलता है भाई। बात तो सही है। तो आज हमारा मैच है आईसीसी क्रिकेट मोबाइल के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। ये हमारा मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, आप सब लोग जानते हो हम लोग पहला मैच जीत चुके थे। हाय हाय, इतना सुकून। आज हमारा सेकंड मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया की टीम भाई सबसे तगड़ा है भाई इस गेम के अंदर। देखते भाई आज क्या हम लोग मैच जीत पाते हैं। हम लोग पहला मैच जीत चुके थे, सेकंड मैच भी हम लोग को जीतना है। अगर ऐसे ही जीतते हैं तो ट्रॉफी हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो भाई बिना की बकबक के मैच को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप लोग एक काम करना है, जो लोग चैनल के अंदर न्यू आ रहे हो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैच देखते देखते आप लोग भावना में खो जाओगे, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो अभी ठोक दो और बेल आइकन को दबा दो और लाइक बटन भी ठोकना। अभी जर्सी तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग आ चुके हैं अभी टॉस के अंदर भाई। देखना पे भाई लिटरली स्टेडियम का ग्राफिक्स आप लोग देखो यार, लिटरली आरसी से भाई बहुत बेहतर ग्राफिक्स है भाई। जिन लोगों ने खेला उन लोगों को पता है भाई। पर टॉस कौन जीता यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया चूज द बॉलिंग, टॉस जीत गया, क्या बात है। पर इंडिया के कप्तान पे बैटिंग क्यों दिखा रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पे बैटिंग कौन सा है, बॉलिंग कौन सा है, मैं क्या अनपढ़ हूँ। अभी दोनों बल्लेबाज उतर चुके हमारे, रोहित शर्मा विद वर्मा, सॉरी वर्मा नहीं है मतलब शिखर धवन। देखते यहाँ पे मतलब जिम करते करते, जिम तो करना चाहिए भाई जिम के अंदर भाई, ये मैदान के अंदर क्यों कर रहे हैं भाई। पर ये चीज में सबसे अच्छा लगता है, हम लोग फील्डिंग मैप के अंदर ही शॉट चूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पहली गेंद हमारे इस टूर्नामेंट का सेकंड मैच के यहाँ पे खेला तो उठा के हम लोगों ने। अरे 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 कैसे हो सकता है, अरे हम लोगों ने भाई गैप में खेले भाई, फील्डर कहां से आ गई भाई। लो भाई पहली बॉल में यहाँ पे विकेट मिल गई, हम करें तो करें क्या। हम लोग भाई पहली बॉल में चौका मारने वाला खिलाड़ी है, यहाँ पे पहली बॉल में विकेट मिल गई, वाह बेटा बच्चे के दिल में यहाँ पे। पर परफेक्ट टाइमिंग का यूज हुआ था लगता है यहाँ पे। लो कप्तानी वापस चले गए हमारे रोहित शर्मा विदाउट कर्मा। अब जो बीत चुका है वो बीत चुका है, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जो बीत चुका है भाई उसको लेके हम लोग दुखी नहीं होंगे। अभी आइए मेरा फेवरेट बल्लेबाज यहाँ पे विराट कोहली, 84 का एवरेज है भाई, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारे नॉन साइड पे तो है भाई शिखर धवन भाई, कोई चिंता करने की बात ही नहीं यहाँ पे। और ये बॉल थोड़ा ऊंचा जा रहा है यहाँ पे, कट खेलेंगे खड़े खड़े कट खेलेंगे, कुछ अलग ही मजा यहाँ पे। लो भाई आराम से खेलिए, हमारे आराम से चौकी मिल गई, ऐसे ही खेलना चाहिए था हम लोग तो भाई। लो भाई शानदार की चौकी मिल गया, इस शॉट को हम लोग भाई सीधा खेलने की कोशिश करेंगे। देखते भैया पहले से बोल दिया भाई कहां बॉल गिरने वाली यहां पे, सीधा बॉल पे। ओए अरे 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 बॉलर तो इस साइड में था भाई, मतलब बॉल जब सीधा आया भाई बॉलर कटाक से मतलब पूरा मैजिक से चला गया भाई। ओ भाई साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो बस चीटिंग कर दी भाई। बंद करो हाथ जोड़ के। चौका विराट कोहली पे टोलिया खोल दी, लिटरली आप तो बदतमीज चल रहे हो भाई, लिटरली बदतमीजी मतलब बदतमीज चल रहे हैं यहां पे, लिटरली क्या बोलूं भाई। मतलब विकेट गिर रहा है, मतलब मैजिकल विकेट गिर रहा है भाई, पता नहीं चल रहा है भाई। अब तो मुझे डॉट बॉल खेलना होगा, डॉट बॉल नहीं मतलब स्ट्रोक शॉट ही खेलना होगा। अभी लॉफ्ट शॉट बिल्कुल नहीं यहां पे, उठा के नहीं खेलना क्या, क्योंकि भाई स्ट्रोक शॉट खेलोगे तो अभी ऐसे यहां पे चार रन मिलेगा भाई, ठीक है आप लोगों ने। पर अभी नहीं भाई, अभी नहीं, अभी पहले बल्लेबाज को सेट करना पड़ेगा। पर शिखर धवन का बल्लेबाज मिला ही नहीं है यहां पे, दो विकेट गिर गई। पर कहां पे शॉट खेलो ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है भाई। तो हम लोग फिर से यहां पे गैप में खेलने का कोशिश, पर ये हो भाई क्या फील्डिंग किया भाई, लिटरली पूरा मार डाला विकेट। अभी शिखर धवन आइए भाई पहला बॉल खेलने के लिए, फिर से हम लोग भाई बॉल जब गिरता स्लो हो जाता है भाई, इससे मारना बहुत इजी हो जाता है। पर नहीं जी मैच बहुत इजी नहीं है भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है हमारे अगेंस्ट भाई। चलो पहली बॉल में चौका मिला, लिटरली फिर से आउट ना मिल जाए भाई, क्योंकि जब भी हम लोग चौके मारते हैं तब मुझे विकेट का शिकार होते हैं यहाँ पे। देखो भाई इसको कहते हैं भाई एफर्टलेस चौके। तो भाई लोग मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बोलना। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा है। पर इस बॉल को हम लोग खेलना चाहेंगे यहाँ पे लेग साइड के अंदर, क्योंकि यॉर्कर बॉल है भाई। ओ यॉर्कर बॉल खेलना लिटरली इस गेम के अंदर बहुत टाइम है भाई, पर राउंड नहीं ले सकते, बहुत तेज बॉल फेंकते यार। पर मैं देख पा रहा हूँ सीधा गैप है, पर सीधा जब भी खेलना है तब भी आउट होते यहाँ पे भाई। हाँ हम लोग स्ट्रोक शॉट खेलना है यहाँ पे सीधा, क्योंकि हम लोग लॉफ्टेड नहीं खेल सकते, ये तो फटाक से कैच हो जाएगा विराट कोहली की तरह, ऐसा खेलती दोबारा नहीं। ये थोड़ा सा हमारे विपक्ष में बॉल आ रहा है यहाँ पे, विपक्ष मतलब हमारे पक्ष में बॉल आ रहा है एक्चुअली बोला जाए तो यहाँ पे। पर देखते हम लोग उठा के खेल सकते हैं ग्रीन जोन पे बॉल, और ये उठा के खेल गया सिक्स मिल सकते हैं हम लोग को, थोड़ा आगे गिरा नहीं तो हो जाता सिक्स यहाँ पर। कोई बात नहीं, चौके से हम लोग खुश है भाई, हमेशा खुश है और क्या कर सकते हैं। मैं कभी पगलाता नहीं, मैं तो विकेट से डरता हूँ मैं माँ। आपसे 100% मुंबई आओ भाई, यॉर्कर बॉल आ रहा भाई, यॉर्कर बॉल को हम लोग सीधा ही खेल लेते भाई, क्योंकि चारों तरफ लेग साइड ऑफ साइड के अंदर फील्डर मौजूद और तैनात भाई। और ऑस्ट्रेलिया के फील्डर भाई जबरदस्त फील्डर है भाई, मानना पड़ेगा, मतलब क्या ही बोले, हमसे कई गुना अच्छा है, मानना पड़ेगा भाई। ओ अभी अभी विकेट मिलता जंपा, ये जंपा बॉलिंग करने, जंपा ऑलरेडी जंप करते करते बॉलिंग करते, इसलिए इसका नाम है जंपा भाई। पर हम लोग इसको लेग साइड के अंदर धकेल देंगे यहाँ पे, आराम से चार रन मिल सकता है। पर फील्डर है भाई,
क्या बात है भाई, हम लोगों से तो भाई 4 रन मिल जाएगा, पर बॉल इतना स्लो कैसे हो गया भाई, लगता है ग्रासी पिच है, ग्रासी मैदान है ये, तो भाई चारों तरफ फील्डर है भाई, इस बॉल कब कहाँ खेलने की कोशिश करें हम लोग भाई, पीछे की ओर तो नहीं होगा पर खेलते सीधा खेल रहा है, नहीं गलत कर दी, ग्रीन जोन पे बॉल नहीं था क्या यार, क्या बचपन से हेलीकॉप्टर बनने का शौक था क्या, लगता है मम्मी डैडी ने भी क्रिकेटर बना दिया यहाँ पे, बचपन से बनने का शौक था हेलीकॉप्टर, होगी यहाँ पे विकेट, अभी ऋषभ पंत आई है बल्लेबाजी करने यहाँ पे, देखते हैं भाई, अब भाई आज भाई लिटरली बहुत विकेट गिरे, पता नहीं क्यों भाई बहुत सारा विकेट गिर चुकी है भाई, वो शॉट भाई यही शॉट हम लोग खेलना चाहिए भाई, यही शॉट हम लोग को खेलना चाहिए था भाई, क्या परफेक्ट टाइमिंग के साथ सही प्लेसमेंट भाई, मतलब ये शॉट देख के लिटरली मजा आ गया यहाँ पे, एक्चुअली भाई आज इतना विकेट क्यों गिर रहा है, ये दुख का खत्म नहीं होता भाई, अभी मैक्सवेल को दिया है बोलिंग यहाँ पे, वाह मैक्सवेल को दिया है तो अच्छा खासा रन आएगा इस ओवर के अंदर, पर फिर भी मैक्सवेल को हल्के में नहीं मिलेगा यहाँ पे भाई, कैसे कैसे बॉल डाल रहा है, पर यहाँ पे 4 मिल सकता है, बॉल इतना स्लो कैसे हो गया भाई, हम लोगों ने परफेक्ट टाइमिंग किया था, चलो कोई बात नहीं, हम लोग भाग भाग के 4 रन ले लेंगे भाई, अरे 4 के बहुत नजदीक आ चुके थे भाई, ये क्या बात थी भाई, इतना नजदीक जाके 4 नहीं मिला, हम लोग भाग भाग के 4 ले ली, एक तो रिस्की शॉट बनता है, पर हम लोग सीधा खेलने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उस तरफ फील्डर खड़ा कर दी, लो ये शॉट तो बहुत जबरदस्त था, वेल टाइम भाई, वेल टाइम के अंदर, वेल टाइम के अंदर भी विकेट मिलता है भाई, मैंने और कितना अच्छा टाइम खेला भाई, आपको लगता है जो ग्रीन जोन तो है नहीं यहाँ पे, जो येलो जोन है उसको टच करना पड़ेगा, वो तो मुश्किल है भाई, धवन सबसे अच्छा खेल रहा था उसके आउट कर दी यहाँ पे, ये तो मुश्किल कर दी, अब यो हारमोनियम काका क्या कह रहे हो यहाँ पे भाई, लिटरली हम लोग को भाई भाग भाग के 4 लेना पड़ रहा है, हम लोग को तब से यहाँ पे बाउंड्री आई नहीं है, पर ये शॉट भी हम लोग उठा के खेलना चाहेंगे यहाँ पे, अरे और कितना टार परफेक्ट टाइमिंग करेंगे, आपको लगता है परफेक्ट टाइमिंग करते करते हम लोग को जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्या करूँ भाई, जॉब छोड़ दूँ मुझे बताओ यहाँ पे, खेलना छोड़ दूँ क्रिकेट यहाँ पे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, 8 करके वापस ऋषभ पंत, अरे हम लोग लास्ट ओवर के अंदर आ चुके भाई, अभी स्टार्क जी बोली करना ही है, जद्दू भाई और हार्दिक पांडे भाई प्लीज इस लास्ट ओवर के अंदर कुछ तो दिला दो भाई, उसके अंदर पूरा खाली खाली से जा रहे हैं यहाँ पे, चलो ये शॉट तो खेली हम लोगों ने, अरे बॉल तो जा भाई बाउंड्री के अंदर भाई, ये बॉल जाता क्यों नहीं भाई, देखो भाई हम लोगों ने वेल टाइमिंग किया भाई, और कितना अच्छा टाइम करो भाई, और कितना टाइम अच्छा करना पड़ेगा भाई, लगता है छोड़ दो ये भी सेम टू सेम बॉल यहाँ पे, पर हम लोगों ने 3 रन लिया था पिछला बॉल के अंदर भाई, देखते ड्रॉप खाने के बाद खेली यहाँ पे, अब लगी यहाँ पे शॉट भाई, यही सर हम लोग खेलना चाहिए था, फिर भी 6 नहीं मिला 4 मिला, कोई बात नहीं बाउंड्री तो आ रहा है भाई, और 3-4 बाउंड्री बटोर तो एटलीस्ट हम लोग को 50 के ऊपर टारगेट देना, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है भाई, स्टेडियम का नजारा देखो भाई, लिटरली हम लोग खेल रहे हैं धर्मशाला पे भाई, धर्मशाला स्टेडियम लिटरली बहुत ही खूबसूरत है भाई, और हम लोगों ने लास्ट 3 बॉल डॉट खाली, मतलब बैठे बैठे डॉट खाली यहाँ पे, और लास्ट बॉल है प्लीज, लास्ट बॉल के अंदर भाई एटलीस्ट बाउंड्री बटोर दो, अरे लास्ट टाइम ये गेम हैंग क्यों कर गया भाई, ये सीज पता था भाई विकेट मिलने वाली, क्योंकि जब भी मैं सीधा खेलने की कोशिश करता था तब भी यहाँ पे विकेट मिलते हैं यहाँ पे भाई, ऐसा क्यों भाई, सीधा बॉल क्यों नहीं जाता यहाँ पे, सिक्सर या चौके, आज लिटरली बाउंड्री बहुत कम है यहाँ पर, टारगेट कितना 47 का टारगेट है भाई, ज़्यादा टारगेट नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये ज़्यादा टारगेट नहीं है, पर हम लोग के लिए बहुत है, देखते हैं भाई ये लोग क्या 5 ओवर के लिए 30 बॉल के अंदर कर पाते हैं नहीं, और इसके अंदर बॉलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बस बॉलिंग इंटरेस्टिंग होते होते बोलते भाई नोबल डाल दिया, अरे भाई अब क्लिकिंग की प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, पहली बॉल हम नोबल डाल दिया पे लोग यहाँ पे फ्रीड, उसके बाद नोबल एक्स्ट्रा रन चलेगी यहाँ पे, पहले एक बॉल के अंदर 2 रन चल ली, लो अभी होगा फ्रीड यहाँ पे, फीट के अंदर 6 के चौके होगा, हे भगवान फ्रीड हम लोग कहाँ पे डाले भाई, फ्रीड डालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर चलो सीधा ही डाले थे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, हाँ चलो टच करेंगे, पर फ्रीड के अंदर 6 मारते हैं भाई, ओ ओ डॉट गेंद चली गई, जितना बॉल घुमाने की कोशिश करो तो उतना बॉल घूमता नहीं है, पर ये लोग बॉलर भाई इतना कम रनअप क्यों करते भाई, थोड़ा ज्यादा रनअप करो ना भाई यहाँ पे, पर गैप में खेल दी भाई, कुछ भी करके भाई चौका नहीं मिलना चाहिए, अगर 4 रन चले गए तब भाई उन लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और पटोड़ते रहेंगे यहाँ पे चौके में चौके, अभी साइड चेंज करके बॉलिंग करना पड़ेगा हम लोग को, ओवर द विकेट बॉलिंग करने की ट्राई करना पड़ेगा, अरे भाई साहब ये तो बहुत ही जबरदस्त शॉट खेली, पर हम लोग ये बॉल को पकड़ सकते हैं भाई, दौड़ 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 पकड़ इस बॉल को भाई, बस बॉल चार्ज नहीं किया पे, हमारे फील्डर बैठे बैठे खड़े हैं, खड़े हैं वहाँ पे बाउंड्री के अंदर भाई, मतलब बाउंड्री के किनारे बॉल हमको पुकारे, पैक 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 भाई, लिटरली भाई वार्नर को रोकना मुश्किल हो चुके भाई, वार्नर तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती है यहाँ पे, ओ भाई वार्नर उसके अंदर भी आरसीपीएल मैच के अंदर भी, इसके अंदर भी इंटरनेशनल मैच के अंदर भी, लिटरली सब जगह छा गए यहाँ पे, यूलो छा गए यहाँ पे, सबकी आती नहीं भाई, लिटरली 2 बॉल में 2 चौके मार दी भाई, ये मैच हमारे हाथ से निकल रहे क्या, क्योंकि अभी कंबल बाकी है, ज्यादा रन बाकी है, अभी बुमराह को लाया है बॉलिंग के लिए भाई, कुछ भी करके भाई, क्योंकि हम लोग भाई बुमराह से विकेट लेना है भाई, क्योंकि आज भाई विकेट गिरा ही नहीं है भाई, क्योंकि
एक ओवर हो चुकी है। पहले तो भाई एक ओवर के अंदर भाई तीन चार विकेट ले लेते, पर आज भाई विकेट गिरा नहीं है भाई। क्या हो रहा है साले, मैं कहां पे बॉल डाला मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है। लो भाई गुड नट के और एक चार रन भाई, आज इतना चार क्यों भाई, इतना बड़ा मैच के अंदर हार गया तो मुश्किल हो जाएगा। हमारा फील्डर था बॉल को पकड़ नहीं पाए भाई, बॉल को पकड़ना चाहिए था भाई, एटलीस्ट ड्राइव तो मारता नहीं। लो भाई 21 बॉल में चाहिए 23 रन मैच को जीतने के लिए, मतलब मुश्किल कर दिया, मतलब इतना चार खा के हम लोगों ने, लगता है फील्डिंग खोलना पड़ेगा इसके बाद भाई। आउट, वो घुस गए। चलो अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत फील्डिंग सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे रन न बटोर पाए। चलो फील्डिंग सेट करती अभी बोलिंग करेंगे, जिगजैग बोलिंग, यहाँ पे राउंड द विकेट बोलिंग करना पड़ेगा, तभी कुछ फायदा हो सकता है भाई, क्योंकि ओवर द विकेट बोलिंग नहीं करना चाहिए। विकेट थोड़ा आगे गिरना था नहीं तो कैच हो जाता। ये बॉल देखो भाई, ये बॉल का स्पीड एकदम हाईस्ट रहेगा भाई, बहुत ही स्पीड से बॉल जाएगा ऐसे, मतलब पिच के बाद जब बॉल जाएगा तब भाई मतलब आप लोग खींच सकते हो बॉल को स्पीड का इंक्रीज करने के लिए, पर सिंगल भी रोकना पड़ेगा भाई, अगर सिंगल नहीं रोक पाए तो मैच हमारे हाथ से गई भाई। टाटा, अभी सेम बॉल में सेम रन चाहिए भाई, हम लोग को सीधा बॉलिंग करना है भाई, कहां पे बॉल डालो भाई, सिंगल भी रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है यहां पे, क्योंकि सिंगल रोकना लिटरली इस मैच के अंदर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फील्डर तो चारों तरफ मौजूद है, अगर फील्डर पास में लाएंगे फिर भी यहां पे चौके छक्के लग जाएंगे, तो मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आज लिटरली विकेट की दिशाहीन हो चुकी है, विकेट हम लोग को गिरा ही नहीं है यहां पे भाई, हम लोग जितना कोशिश कर रहे भाई मतलब डॉट बॉल खिलाने की भाई आता नहीं है भाई, मैं तब से डॉट बॉल की बात कर रहा हूं भाई। 9 बॉल में चाहिए 8 रन भाई, आप सोचो भाई अगर सिंगल में तुम्हें जीत जाएंगे, हम लोग को चाहिए विकेट भाई, ये विकेट मिल सकता है, ये विकेट मिल सकता है। नो मैन लैंड्स के अंदर गिरे भाई, लिट्टी पे जंप करना चाहिए, यॉर्कर पे यॉर्कर डाल दे यार, हम लोग स्पिनर से भी यॉर्कर डाल भाई, कुछ फायदा नहीं। अरे क्या ये कैच हो सकता है, ये कैच हो सकता है, नीचे फील्डर होगा कैच। अरे उन लोगों के टाइम पे भाई फील्डर होता है, पर हम लोगों के टाइम फील्डर क्यों नहीं होता मुझे बता यार, ये तो बदतमीज़ भाई, तो बदतमीज़ कर दी यहाँ पे। ये देखो भाई हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ओ इस बार 6 मारोगे ठीक है, आ जाओ देखते हैं। बोला धक्का मुक्की नहीं कर, धक्का मुक्की कोई नहीं कर रहा भाई, धक्का मुक्की कोई नहीं कर रहा, सिर्फ हम लोग ही कर रहे धक्का मुक्की, क्योंकि अभी और एक रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये मैच लिटरली हम लोग हारे भाई, पहले से हम लोगों ने बैटिंग के अंदर बहुत गड़बड़ी किया था, और सामने ऑस्ट्रेलिया था हम लोग भूल ही गए थे भाई, लिटरली हम लोग को और भी ज्यादा रन टारगेट देना चाहिए थे यहाँ पे। और आज का ये सेकंड मैच मतलब इस हमारे आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का सेकंड मैच जीत चुके ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया से जीतना बहुत मुश्किल है भाई, स्कोर कार्ड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बट ठीक ठाक खेला हम लोगों ने भाई। नेक्स्ट मैच हमारा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, और बोला फिक्सर सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, और साइड में ये क्वालिफायर मैच क्या दिख रहा है, अभी तक क्वालिफाई किया हम लोगों ने, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच हमारा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बद्दा जरूर लेना होगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज के मैच हार गए तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत मैच बाकी है, अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले बैटिंग के अंदर थोड़ा गड़बड़ी कर दी थी, पर बॉलिंग के अंदर हम लोगों को ठीक करना चाहिए पर कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच हम लोग जरूर जीतेंगे, पर कब देखते हैं इसके अंदर कैसे सेलिब्रेशन होता है और कैसे फाइनल होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू आ रहा हो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे ठोक दो गाइस। और बहुत दिन के बाद एक बात बोलने जा रहा हूं गाइस, अगर अच्छा लगे तो भाई प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, मैं ज्यादातर नहीं बोलते शेयर करने के लिए, तो भाई अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर देना, और कमेंट के अंदर बोलना गाइस कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट मैच के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू। भाई लो मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बोलना।